कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर, और इस लेक्चर में हमें करने हैं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो पिछले कई लेक्चर से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि सर नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, VACPR पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, लुईस संरचना पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। ठीक है, इन तीनों टॉपिक के, लुईस संरचना के, VACPR के और VBT के, इन तीनों के आज मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। तीनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं, PBT में कोई एक आधा एग्जाम्पल होगा उसको हम देख लेंगे, बाकी हमने सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम इनके क्वेश्चन करने के लायक बन चुके हैं। चलिए, तो कैसे हैं आप सब लोग ये बता दो। तो आज बड़ा मजा आने वाला है बेटा, क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी डिमांड पर। आपने मुझे बोला कि सर क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे एग्जाम में वो देखने, तो आज आपकी डिमांड पर है ना, ऑन योर डिमांड, ठीक है, आपकी डिमांड पर अभ्यास प्रश्न। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, चलिए आ जाओ। तो हाँ, और सबसे बड़ी बात, रिवीजन करके आए हो ना, रिवीजन करके आए हो ना सभी बच्चे, रिवीजन करके आए हो ना। अभी मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो एक ही कंडीशन में होंगे, जब आप रिवीजन करके आए होंगे। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, उसकी अप्रोच क्या होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप उसके लिए बेफिक्र रहो। क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होगी, उसको किस तरीके से करना, वो मैं बताऊंगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहां क्लास में क्यों आए हो बेटा, सीखने के लिए आए हो। कई बच्चे हैं जिनको पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनको सीखना है। सीखने के लिए आए हो ना, लर्निंग, अरे भाई सीखने के लिए आए हो ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो बिल्कुल बेफिक्र रहना, क्योंकि आपको सिखाने की जिम्मेदारी किसकी बेटा, मेरी। एक बार जब सीख लोगे तो उसके बाद तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अगर मान लो वैसा ही क्वेश्चन फिर से आता है तो हम कर सकते हैं उसको, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन का किस तरीके का पैटर्न होगा, क्या क्वेश्चन आएगा। चलो आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक पर। चलिए ये देखो बेटा, XeF4 की सही संरचना कौन सी है, बताइए इन चारों में से कौन सी संरचना XeF4 की सही है। मैं काम करता हूं, मैं एक बार साइड में आ जाता हूं, आधे मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को देख लो। देखो साइड में आ रहा हूं मैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा, कौन सी संरचना सही है, कौन सी आकृति सही। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर क्या लिखा है? कई बच्चों ने आंसर निकाला होगा, आंसर क्या लिखा है इसका? चलो जो भी आंसर लिखा, जो भी आंसर आपने लिखा है, ठीक है, सबसे पहली बात तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आंसर तो इसका आएगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आएगा सी। इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है सी। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। 1% छोड़ो, मैं बोल रहा हूं 0.00001% भी टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया तो उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना, बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, कुछ और आएगा इसी तरह का, किसी और अणु की आकृति पूछ ली जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, जब भी अणु की आकृति या संरचना के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, आकृति का जवाब हमेशा हमें कहां पर मिलेगा,
बताओ, लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, आकृति का जवाब हमें किस कॉन्सेप्ट के अंदर जाना पड़ेगा, किस थ्योरी में जाना पड़ेगा, आकृति के जवाब के लिए हमें किस थ्योरी में जाना पड़ेगा, VACPR की थ्योरी में जाना पड़ेगा। कौन सी थ्योरी में जाना पड़ेगा? VACPR की थ्योरी में। समझ में आया? तो VACPR में मैंने जो पढ़ाया है वो आपको ध्यान रखना, मतलब कि क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का है, ये क्वेश्चन VACPR इस कॉन्सेप्ट का है। अगर मुझे किसी भी अणु की आकृति या संरचना के बारे में जानकारी चाहिए, उसकी संरचना क्या होगी, तो VACPR की थ्योरी मुझे ध्यान होनी चाहिए। चलो तो अब हम आते हैं XeF4 पे। चलो XeF4 की अगर मैं बात करूं बेटा, चलो इसको करना कैसे है ये बताता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले आपको किसी अणु की आकृति जब पूछी जाए ना, तो उसके केंद्रीय परमाणु की लुईस संरचना बना दो। जब भी आपको किसी अणु की आकृति पूछी जाए तो सबसे पहले उसकी लुईस संरचना बना दो। चलो इसकी लुईस संरचना क्या होगी, आ जाओ, केंद्रीय परमाणु कौन है, जीनोन, और साइड वाला परमाणु कौन है, फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन है? 4 फ्लोरीन। जब भी आपको किसी अणु की आकृति बनानी हो तो सबसे पहले उसकी लुईस संरचना बनाओ। समझ में आ रहा है? जब भी आपको अणु की आकृति बनानी हो तो आकृति बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसकी लुईस संरचना बनाओ। समझ में आया? चलो इसकी लुईस संरचना बनाते हैं। लुईस संरचना कैसे बनाते हैं, एक केंद्रीय परमाणु और साइड में परमाणु। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसे एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसे एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, इस फ्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, और इस फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। होगा? चलो, मतलब कि लुईस संरचना तो हमने बना दी। अब मुझे बताओ एकाक युग्म कितने बचे हैं, एकाक युग्म 1, 2, 3 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, एकाक युग्म कितने होंगे, 1 और 2, 2 एकाक युग्म आ गए। ठीक है, 2 एकाक युग्म, मतलब कि ये अणु किस प्रकार का है। अगर इस अणु के प्रकार की बात करें तो केंद्रीय परमाणु है जीनोन, केंद्रीय परमाणु ए, बंधी युग्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बंधी युग्म है, तो AB4, और लोन पेयर कितने हैं, 1 और 2, 2 लोन पेयर है, मतलब कि E2। मतलब कि आपको लुईस संरचना बनाने के बाद अणु किस प्रकार का है, उस अणु के प्रकार के बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए, अणु किस प्रकार का है वो देखना। अब आप मुझे बताओ कि यदि अणु का प्रकार ये है तो VACPR के हिसाब से उसकी ज्यामिति क्या होगी। यदि कोई अणु का आकार ऐसा है तो VACPR के हिसाब से उसकी आकृति क्या होगी। चलो फटाफट लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, यदि अणु इस प्रकार का है तो उसकी आकृति क्या होगी। मैंने आपको बता रखी उसकी आकृति होती है वर्गाकार समतलीय, बता रखा है मैंने, मतलब कि जीनोन यहां पे आ जाएगा, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, वर्गाकार समतलीय, और लोन पेयर कितने, 1 और 2, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ये हो गई वर्गाकार समतलीय आकृति, आंसर आ जाएगा सी। ये वर्गाकार समतलीय आकृति नहीं है, क्यों, लोन पेयर आ रहा है यहां पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए, इस वर्गाकार के अंदर फ्लोरिन 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 होनी चाहिए, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा सी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी अणु की आकृति निकालनी हो तो सबसे पहले उसकी क्या बनाओ, लुईस संरचना, और लुईस संरचना बनाने के बाद में आप देखो कि वो अणु किस प्रकार का है, AB3E है, AB4 है, AB2E3 है, क्या है वो देखो, और उसके बाद में उसकी आकृति निकालो। पक्का 100%? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करोगे, जल्दी से लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे थम्स अप दिखाओ फटाफट, अब ऐसा क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे। मुझे बताया कई बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन फिर भी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, निम्न में से किस अणु के केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म तथा बंधी युग्म की संख्या समान नहीं है। बहुत बढ़िया,
ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस अणु के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इन दोनों की संख्या बराबर बराबर नहीं है। करो, आपको मैं देता हूं आधे मिनट का समय, करो। निम्न में से किस अणु के पास, केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर समान समान नहीं है? करिए करिए करिए, जल्दी से करिए। चलिए, मेरे ख्याल से कर लिया होगा। आप मुझे बताओ, पानी के इस अणु की बात करो तो यहां पे बॉन्ड पेयर कितना है? एक और दो, दो बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर यहां पे कितना है? बॉन्ड पेयर यहां पे है दो। लोन पेयर कितना है? एक और दो। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर है दो। बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर दो, समान समान है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहां पर समान नहीं है? भाई यहां तो समान है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों समान है, ये आंसर नहीं हो सकता। I3-, चलो कैसे बनाएंगे, आ जाओ। आयोडीन, 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 तीन आयोडीन के अणु है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी लुईस संरचना बना दूं तो मुझे कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है वो मिल जाएंगे। तो जब भी आपको लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप क्या करेंगे, अणु की लुईस संरचना बनाएंगे। अणु की लुईस संरचना बना करके आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या काउंट कर सकते हैं। जब भी आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर की संख्या पूछ जाए तो लुईस संरचना बना दो। चलो लुईस संरचना बनाए, आ जाओ। कितने परमाणु है? तीन परमाणु है, बहुत बढ़िया। आवेश कितना है? माइनस एक। आवेश कितना है? माइनस एक, बहुत बढ़िया। चलो आयोडीन है हेलोजन, आयोडीन क्या होते हैं? हेलोजन। सभी हेलोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात इलेक्ट्रॉन यहां, सात इलेक्ट्रॉन यहां, और सात इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं, ठीक है। तो सभी आयोडीन परमाणुओं की बारी कक्षा में सात 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 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि भाई आयोडीन के पास तीन परमाणु, तो किसी भी एक परमाणु के पास आप माइनस आवेश लगा दो। तीन परमाणु, किसी भी एक पर, मान लो मैंने इस परमाणु पे माइनस आवेश लगाया, अगर मैं इस परमाणु पे माइनस आवेश लगाऊंगा तो इसके पास सात की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आयोडीन के पास होते हैं बाहरी कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन, आयोडीन की बाहरी कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है। यदि एक माइनस आवेश, एक माइनस आवेश दे रखा है तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? आठ। यदि आयोडीन के एक परमाणु पर माइनस हो जाए तो अब इसके पास सात की जगह कितने हो जाएंगे? आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। बस आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का साझा करा दो, ठीक है। चलो और इसी तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका साझा करा दो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं भैया यहां पे कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर, ठीक है। चलो तो केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने, आ जाओ। केंद्रीय परमाणु ये रहा, केंद्रीय परमाणु के पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर। केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर कितने हैं? तीन लोन पेयर है। अच्छा, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर, केंद्रीय परमाणु के पास बॉन्ड पेयर कितने? एक और दो, दो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहां, दूसरा बॉन्ड पेयर। मतलब कि यहां पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर समान नहीं है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। चलो O2F2, अच्छा O2F2, ऑक्सीजन परमाणु, फ्लोरीन परमाणु। मैंने आपसे बात बोली थी कभी भी फ्लोरीन और हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते, तो ये दोनों केंद्रीय परमाणु नहीं है, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु। ऑक्सीजन के पास आप क्या करते हो, फ्लोरीन एक बंद बनाता है, ये वाला फ्लोरीन भी एक बंद बनाएगा और दोनों ऑक्सीजन के बीच में एकल बंद आ जाएगा,
ऐसे बन जाएगी संरचना, बनेगी ना। चलो तो यहाँ पे लोन पेयर कितने, दो लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने, दो। तो इस वाले ऑप्शन के लिए लोन पेयर कितने हैं, दो, और इस वाले ऑप्शन के लिए बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर भी हैं दो। इस वाले ऑप्शन की बात करो तो लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर एक और दो, और बॉन्ड पेयर कितने इसके लिए, बॉन्ड पेयर भी इसके लिए है एक और दो, दो बॉन्ड। मतलब कि यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, समान समान। चलो सल्फर HCl2 केंद्रीय परमाणु सल्फर, सल्फर के बाहरी कोश में कितने, छह इलेक्ट्रॉन, कितने क्लोरीन है, दो, एक क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, लोन पेयर दो हो गए, बॉन्ड पेयर भी दो हो जाएंगे। यहां पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, समान समान है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये। चल जिन बच्चों का आंसर आ गया अच्छी बात है, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है मैं फिर बता रहा हूं, लुईस संरचना बनाओ और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की संख्या काउंट करो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर, नीचे दी गई प्रजाति में से किसकी आकृति XeOF4 के समान है, किसकी आकृति XeOF4 के समान है। करो जब भी आकृति का आंसर निकालना हो तो किस थ्योरी से करते हैं, VSEPR। आकृति का आंसर किस थ्योरी से आएगा, VSEPR से। और मैंने आपको बता रखा है जब भी आकृति पूछी जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लुईस संरचना बनाओ। सबसे पहला स्टेप क्या है अणु की, सबसे पहले लुईस संरचना बनाओ और फिर देखो कि अणु किस प्रकार का है। तो सबसे पहले लुईस संरचना बनाओ और फिर देखो अणु का प्रकार क्या है, इस तरीके से आप बता सकते हो उसकी आकृति। चलो सबसे पहले बात करते हैं XeOF4 की। अगर मैं XeOF4 की बात करूं तो XeOF4 जीनोन है, केंद्रीय परमाणु जीनोन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऐसे ही आएगा। ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, ऑक्सीजन दो बंध बनाता है। फ्लोरीन कितने, चार, तो एक दो तीन और चार, चार फ्लोरीन आ गए। लोन पेयर कितने हैं, एक। इस अणु का लुईस संरचना ये बन गया, इस अणु की लुईस संरचना ये बन गई। अब अगर लुईस संरचना ये बनाई तो बताओ इसका प्रकार क्या हो जाएगा, इस अणु का प्रकार क्या होगा। केंद्रीय परमाणु है ए, बंधी युग्म कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच बंधी युग्म, और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर एक है। मतलब कि इस अणु का प्रकार क्या हो जाएगा, AB5E। तो प्रश्न में दिए गए अणु का प्रकार क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच, पांच बंध युग्म और एक लोन पेयर, अणु का प्रकार ये हो जाएगा। जो जो अणु इस प्रकार का है उन सब की आकृति क्या है, समान। इसका मतलब यदि इनमें से कोई भी अणु इस प्रकार का मिल जाए तो उनकी आकृतियां क्या हो जाएंगी, समान। चलो देखो ये वाला अणु कौन सा, इसमें से XeO3 जीनोन में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, एक लोन पेयर। केंद्रीय परमाणु है ए, ये सुपर युग्म, ये सुपर युग्म, ये सुपर युग्म, मतलब कि तीन सुपर युग्म। आप इसको बंधी युग्म ही बोलोगे, तीन बंधी युग्म मान लेंगे इसको, सुपर युग्म को, एक सुपर युग्म को एक बंधी युग्म मानते। लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है। क्या ये अणु का प्रकार इसको मैच कर रहा है, ना कर रहा है, ये आंसर नहीं होगा। चलो IOF4, चलो आयोडीन कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात, आयोडीन के पास सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पर प्लस आवेश है इसलिए सात में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब भी प्लस में आवेश हो तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, जब भी माइनस में आवेश हो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, तो सात की जगह कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, छह इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलो फ्लोरीन कितने हैं, एक दो तीन चार, चार फ्लोरीन लग जाएंगे। ऑक्सीजन कितना, एक, तो यहां पर एक ऑक्सीजन लग जाएगा। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऐसे हो जाएगा। चलो केंद्रीय परमाणु कितना है, केंद्रीय परमाणु एक है, केंद्रीय परमाणु है ए,
बंदी युग्म कितना है, एक दो तीन चार, चार बंदी एक सुपर युग्म, इसको भी बंदी मानते हैं, पांच, पांच हो गया। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर है ही नहीं, मतलब कि ये ए बी फाइव प्रकार का हो जाएगा। चलो इसका मतलब यहां से भी आंसर नहीं आएगा। अब बात करते हैं पीसीएल फाइव की। पीसीएल फाइव की आकृति कैसी होती है, देखो हमने देख रखी है, पीसीएल फाइव में ये केंद्रीय परमाणु है, एक दो तीन चार पांच, क्लोरीन कितने, पांच, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन, पांच क्लोरीन, केंद्रीय परमाणु है ए, बंदी युग्म कितने, पांच, ए बी फाइव, ये भी ए बी फाइव, ये भी इसके जैसा नहीं होगा, अणु का प्रकार समान नहीं। चलो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो जीनोन कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ होते, लेकिन अगर प्लस में आवेश है तो प्लस में आवेश होने पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कितने फ्लोरीन है, पांच फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांच फ्लोरीन, एक लोन पे। अब बताओ केंद्रीय परमाणु है ए, कितने बंधी युग्म, पांच बंधी युग्म, कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर। अरे भैया यही है आपका आंसर, ए बी फाइव ई, ए बी फाइव ई, आकृति समान। हमेशा बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको आकृति के बारे में आंसर निकालना हो, आकृति का आंसर किस थ्योरी से आता है, वीएसीपीआर से। सबसे पहले आकृति का आंसर निकालने के लिए लुईस संरचना बनानी होगी, और लुईस संरचना बनाने के बाद में आप ये देखेंगे कि अणु का प्रकार कैसा है, ए बी टू है, ए बी थ्री है, ए बी टू ई है, ए बी टू ई टू है, क्या प्रकार है। प्रकार जैसे मिल गया तो फिर हम उसकी आकृति बता सकते हैं। चलो ये हो गया क्वेश्चन थ्री, अब आते हैं क्वेश्चन फोर पे, आ जाओ क्वेश्चन फोर देखो, इसको पढ़ो और इसका आंसर बताऊंगी। एक सिग्मा बंधित MX3 टी आकृति का है, इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्मों की संख्या कितनी होगी। चल इसको करिए, करिए करिए, कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो मैं आंसर बता देता हूं, आंसर इसका बच्चों क्या है, बी, आंसर इसका बी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या लिखा, सिग्मा बंधित अणु MX3 टी आकृति का है। जब भी आकृति के बारे में क्वेश्चन हो तो किस थ्योरी पे जाना होगा, VSEPR, VSEPR थ्योरी पे जाना होगा, इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों की संख्या कितनी होगी। चलो आप मुझे बताओ, सबसे पहले सभी बच्चे मुझे बताएं, अगर अणु के पास AB3E प्रकार का अणु है तो उसकी आकृति क्या लिखवाई थी मैंने VSEPR में, पिरामिडल। यदि कोई अणु AB3E प्रकार का है तो उसकी आकृति क्या थी, पिरामिडल। यदि कोई अणु AB2E2 प्रकार का है तो उसकी आकृति क्या बताई थी मैंने, कोणीय बताई थी, V आकृति बताई थी, याद है ना। ऐसे सबकी आकृतियां याद होंगी ना बेटा, मैंने आपको बोला था आकृति याद करके ना, फिर मैंने आपको बताया था कि यदि यदि कहीं AB3E2 प्रकार का है तो इसकी आकृति क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था इसकी आकृति टी शेप होती है, याद है। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई अणु AB2E3 प्रकार का है तो इसकी आकृति क्या होती है, मैंने इसकी आकृति आपको रेखी बता रखी है, याद है या नहीं। फिर मैंने इसी प्रकार से आपको बोला था AB4E, इसकी आकृति क्या होती है, तो इसकी आकृति मैंने आपको बताया था सीसो शेप होती है, सीसो शेप, ठीक है, सीसो शेप। फिर मैंने आपको बताया था AB4E2, ये दे रखा है तो इसकी आकृति क्या है, वर्गाकार, समतलीय है, याद है ना। सबकी आकृति मैंने लिखवा रखी,
ध्यान रखना, जब भी आकृति टी आकार की होगी उसके पास लोन पेयर कितने होते हैं? दो। तो तीन बंदी युग्म होते हैं और दो क्या होते हैं? लोन पेयर। दो क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर। तो जब भी अणु का प्रकार ये होता है तो उसका आकार टी शेप होता है और उसके पास लोन पेयर कितने होते हैं? लोन पेयर होते हैं दो। तो यहां से लोन पेयर का आंसर कितना आएगा? दो। तो आंसर आ जाएगा बेटा दो। अच्छा, कई बच्चे पिछली क्लास में बोल रहे थे मुझे कि सर आपने ए बी फोर ई नहीं बताया, ऐसा कुछ किसी को लग रहा था ए बी फोर ई? चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मुझे जहां तक पता है मैंने बता दिया, कोई बात नहीं बताया तो मैं फिर बता देता हूं। देखो ए बी फोर ई का प्रकार होता है, आंसर होता है बेटा एस एफ फोर। एस एफ फोर किसका प्रकार है? ए बी फोर ई का प्रकार, ए बी फोर ई प्रकार का उदाहरण है। तो ए चार बंदी युग्म, एक बंदी युग्म, दो बंदी युग्म, तीन बंदी युग्म, चार बंदी युग्म और एक होता है लोन पेयर, यही तो होता है ए बी फोर ई। अब बच्चों आपको पता हो तो इसकी आकृति जो होती है बेटा ये सी सो आकृति का होता है, सी सो शेप। इसको हिंदी में बोलते हैं ढेकुली। क्या बोलते हैं? ढेकुली। क्या बोलते हैं? ढेकुली। चलो क्या होती है आकृति मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो गार्डन में खेलने जाते हैं, गार्डन में खेलने जाते हैं तो गार्डन में एक मशीन लगी होती है, एक झूला लगा होता है। उस झूले में बच्चे क्या करते हैं? एक बच्चा यहां बैठता है और दूसरा बच्चा यहां बैठता है, तो एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, ऐसे करते ना, एक बच्चा ऊपर एक बच्चा नीचे, एक बच्चा ऊपर एक बच्चा नीचे, वही आकृति है ये, उसी को बोलते हैं ढेकुली। तो एक बच्चा यहां पे आ जाएगा रामू, यहां आ जाएगा शामू, यहां पे आ जाएगा गज्जू, यहां आ जाएगा बज्जू। तो गज्जू ऐसे जाएगा तो बज्जू ऐसे आएगा, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जो आकृति बच्चों, इस आकृति को हम बोलते हैं ढेकुली। क्या बोलते हैं? ढेकुली। तो ऐसे होती है आकृति, एक ऐसे ऊपर, तो ढेकुली आकृति का होता है बच्चों एस एफ फोर। सी सो बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, बोलते हैं सी सो शेप बोलते हैं। तो सी सो शेप के लिए क्या कंडीशन है? अणु का प्रकार ए बी फोर ई होना चाहिए, एस एफ फोर, जैसे कि एस एफ फोर। तो यदि कोई अणु टी आकृति का है तो टी आकृति वाले के अंदर एकाकी युग्म कितने होते हैं? दो होते हैं। यहां पे एकाकी युग्म दो आ जाए, इस तरीके से आपको करना है। चलो यहां तक की बात क्लियर। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की, अगला क्वेश्चन नंबर फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव इसको करो। निम्न में से किसकी पिरामिडल आकृति होती है? बताओ किसकी आकृति पिरामिडल है? देखो फिर से आकृति, आकृति का जवाब चाहिए तो VACPR पे जाना होगा। पिरामिडल आकृति किसकी है? पिरामिडल आकृति के लिए अणु का प्रकार ये होना चाहिए, पिरामिडल आकृति के लिए अणु का प्रकार ये होना चाहिए। और आकृति का आंसर निकालना है तो सबसे पहले क्या, लुईस संरचना बनाओ, और लुईस संरचना बनाने के बाद दूसरा क्या, अणु के प्रकार के बारे में जानकारी लो। समझ में आया? तो सबसे पहले लुईस संरचना बनाओ और फिर अणु का प्रकार देखो। तो जैसे आपने लुईस संरचना बनाई उसके बाद देखो कि अणु किस प्रकार का है, अणु इस प्रकार का है, इस प्रकार का है या इस प्रकार, कैसा है? अगर अणु इस प्रकार का है तो आकृति पिरामिडल हो जाएगी। चलो तो क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया, पहले लुईस संरचना बनाओ फिर अणु का प्रकार देखो। चलो शुरू करते हम। आंसर तो इसका आ जाएगा बेटा ए, इसका आंसर वैसे ए है। जिन बच्चों ने इसका आंसर ए लगाया है बधाई के पात्र हैं, और जिन बच्चों ने नहीं लगाया वो फिर से समझे। सबसे पहले क्या, लुईस संरचना बनाओ। चलो इसकी लुईस संरचना, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक दो तीन चार पांच छह। क्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन यहाँ पे प्लस में एक आवेश है तो सात में से एक कम कर दो, छह इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने फ्लोरीन है? एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, नहीं दो ही फ्लोरीन है यार, माफ करना, दो ही फ्लोरीन है भैया, ठीक है भाई दो ही फ्लोरीन है। और ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन एक, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। और लोन पेयर कितने आएंगे? लोन पेयर आ जाएगा। अच्छा अब केंद्रीय परमाणु क्या है? केंद्रीय परमाणु ए। बंदी युग्म कितने? एक दो तीन, अरे भैया तीन बंदी युग्म। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर है एक। ए बी थ्री ई प्रकार का अणु,
मतलब कि पिरामिडल आकृति, मजा आ गया भैया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ये आंसर आ जाएगा। चलो ICL3 करके देखते हैं, आ जाओ ICL3। आयोडीन के पास एक दो तीन चार पांच छह सात, सात है। चलो कितने क्लोरीन, कितने, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, केंद्रीय परमाणु है ए, बंदी युग्म एक दो तीन, लोन पेयर है दो, ए बी थ्री ई, पिरामिडल नहीं होता, ए बी थ्री ई टू, टी शेप होता है, इसकी आकृति क्या होगी, टी शेप आकृति होगी। मजा आ गया यार, मतलब अब तो हमारे पास जुगाड़, हमने बहुत सही तरीका निकाला, बी आर आई सी एल। तो आयोडीन भाई केंद्रीय परमाणु कौन होगा, आयोडीन, आयोडीन केंद्रीय परमाणु, आयोडीन। अच्छा हाँ, अब कई बच्चे बोलेंगे सर केंद्रीय परमाणु कैसे निकाले इसमें, बेटा एक बात ध्यान रखना, केंद्रीय परमाणु ज्ञात करने का तरीका क्या है, तत्व जिसके परमाणु की संख्या कम हो, ब्रोमीन का भी एक परमाणु, आयोडीन का भी एक परमाणु और क्लोरीन का भी एक परमाणु, ये वाला नियम तो नहीं लग पाएगा। दूसरा, तत्व जिसकी संयोजकता सर्वाधिक हो, आयोडीन की भी सात हो सकती है अधिकतम, क्लोरीन की भी अधिकतम सात हो सकती है और ब्रोमीन, संयोजकता वाला फंडा भी लेगा, सभी हेलोजन है सबकी, इन सभी हेलोजन की संयोजकता क्या होती है, समान होती है, सात सात सात, अधिकतम सात तो हो सकती, ये भी लेगा सर। अब ये तीसरा वाला तो आपने नहीं बताया, चलो तीसरा वाला मैं आपको आज बता देता हूं। अगर मान लो ये भी नियम लागू ना हो केंद्रीय परमाणु ज्ञात करने के लिए, ये भी नियम लागू ना हो केंद्रीय परमाणु ज्ञात करने के लिए, तो आपको तीसरा नियम लगाना है, और वो तीसरा नियम क्या है, जिसकी विद्युत ऋणता, जिसकी विद्युत ऋणता, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता सबसे कम होती है, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, इनमें सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी होती है, आयोडीन की, आयोडीन की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है। मेरे ख्याल से शायद विद्युत ऋणता वाला टॉपिक आपका हो गया ना, विद्युत ऋणता वाला टॉपिक आपका पीरियोडिक टेबल में हो गया ना, नहीं हुआ है या हुआ है, जो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखो अगर हो गया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर ये टॉपिक नहीं हुआ है तो अभी कुछ देर के लिए, जब तक वो टॉपिक का लेक्चर आपको नहीं मिलता, बस आप ये याद रख लो, कुछ समय के लिए याद रख लो, विद्युत ऋणता का क्रम ही होता है, कुछ समय के लिए याद रख लो जब तक वो लेक्चर डिलीवर नहीं होता, सबसे कम इसकी होती, जिसकी सबसे कम होती वही क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु। तो मैं ट्राई करूंगा, अगर आपको ये लेक्चर डिलीवर नहीं हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको मिल जाए, ताकि आप विद्युत ऋणता को समझ सके। तो ध्यान रखना, जिसकी भी विद्युत ऋणता सबसे कम है वही केंद्रीय परमाणु है। अभी कुछ समय के लिए आप बस इसको याद रख लो, है ना, इसको याद रख लो, ये क्या होता है विद्युत ऋणता, ये मैं आपको, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, आपका डिलीवर नहीं हुआ लेक्चर, तो मैं आपको पैनल पे चढ़वा दूंगा, ठीक है, उस लेक्चर को चढ़वा दूंगा, डोंट वरी। आयोडीन, तो इसका मतलब आयोडीन सबसे केंद्रीय परमाणु, सबसे कम विद्युत ऋणता, एक दो तीन चार पांच छह सात, आयोडीन के पास सात इलेक्ट्रॉन, माइनस आवेश होगा तो सात प्लस एक आठ इलेक्ट्रॉन, एक ब्रोमीन है दूसरा क्लोरीन, एक ब्रोमीन दूसरा क्लोरीन, एक दो तीन, केंद्रीय परमाणु है ए, बंदी युग्म है दो, लोन पेयर है तीन, ए बी टू ई थ्री, ए बी टू ई थ्री क्या हो जाएगा, ए बी टू ई थ्री किसमें आएगा, रेखीय, अरे मतलब किसकी आकृति क्या हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मतलब कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, द शेप ऑफ XeO2F2। ये क्वेश्चन बोला गया है कि XeO2F2 की आकृति बताओ, अंग्रेजी में आ गया है, ठीक है, लेकिन आप इसको हल तो कर ही सकते हो, क्वेश्चन है XeO2F2 की आकृति बताओ, क्या लिखा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका मतलब है त्रिकोणीय
द्वी पिरेमिडी स्क्वायर प्लेनर, इसका मतलब है वर्गाकार समतलीय, इसका मतलब है चतुष्फलकीय, इसका मतलब क्या है टेट्राहेड्रल चतुष्फलक, इसका मतलब है ढेकुली, अभी बताया था ना ढेकुली। चलो एक्सो टू एफ टू की आकृति, मैंने आपसे बात बोली कि आकृति का आंसर कहां मिलेगा, वी एस ई पी आर पर मिलेगा, आकृति का आंसर आपको हमेशा यहां से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आकृति का आंसर निकालने के लिए दो काम करने, पहला लुईस संरचना बनानी है, बताया था ना, और लुईस संरचना बनाने के बाद अणु का प्रकार देखना है आपको, पहले लुईस संरचना बनाओ और दूसरा अणु का प्रकार देखो, ठीक है। चलो इसकी लुईस संरचना बनाया ज़ीनोन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं केंद्रीय परमाणु के पास, 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने, दो, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, फ्लोरीन कितने, दो, एक और दो, लोन पेयर कितना, एक। चलो क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु ए, बंदी युग्म एक दो तीन चार, चार बंदी युग्म, और लोन पेयर कितने आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएगा एक आ जाएगा, ए बी फोर ई, और इसकी आकृति क्या होती है, सी सो शेप, सी सो आकृति, ढेकुली आकृति इसकी, आंसर आ जाएगा डी। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद सेवन, चलो इसको करो बेटा, इस क्वेश्चन को करिए। निम्न में से कौन सा अतिव्यापन गलत है, अब ये क्वेश्चन कौन सी थ्योरी का है, कौन बताएगा, ये क्वेश्चन कौन सी थ्योरी का है, अतिव्यापन, अतिव्यापन किसमें पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है, कौन सा अतिव्यापन गलत है, और इसमें जेड अक्ष को क्या माना है, अंतर्नाभिकीय अक्ष, जेड अक्ष है आपकी क्या, अंतर्नाभिकीय अक्ष, जेड अक्ष आपकी अंतर्नाभिकीय अक्ष है, तो जेड अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए, अंतर्नाभिकीय अक्ष मतलब कि नाभिकों को मिलाने वाली अक्ष, जेड अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानो और देखो कौन सा अतिव्यापन गलत है। चलो जेड अक्ष के लंबवत क्या होता है, वाई, जेड अक्ष के लंबवत कौन होगा, वाई, तो जेड अक्ष के लंबवत कौन आएगा ऐसे, पी वाई, जेड अक्ष के लंबवत ऐसे ही आएगा ना पी वाई, और दूसरा कौन है पी वाई, तो ये पी वाई भी ऐसे आएगा, पी वाई पी वाई, इस तरीके से अतिव्यापन होगा तो बताओ कौन सा बंद बना। मैंने आपको बताया था कल, जब भी दो ऑर्बिटल दो कक्षक जब ऐसे आएंगे, समपार्श्विक अतिव्यापन, साइड बाय साइड आएंगे, इसको हम बोलते हैं साइड बाय साइड ओवरलैप, कौन सा बंद बनता है, पाई बंद बनता है, मतलब कि ये तो सही है, सही है भैया, पाई बंद बन रहा है, देखो पाई लिखा हुआ, पाई टू पी वन, ठीक है, टू पी जेड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में बोला गया है कि जेड अक्ष को क्या मानना है, अंतर्नाभिकीय अक्ष, प्रश्न में बोला गया है जेड अक्ष हो जाएगी अंतर्नाभिकीय अक्ष, इस पर किसको मिलाना है, टू पी जेड और टू पी जेड, चलो जेड अक्ष पर पी जेड कैसे आएगा, जेड अक्ष पर टू पी जेड ऐसे आएगा और जेड अक्ष पर टू पी जेड ऐसे आएगा, ऐसे ही होगा अतिव्यापन, अतिव्यापन ऐसे हो गया। बताओ अगर दोनों के हेड टू हेड मिलेंगे, सर से सर मिलेंगे, तो इससे कौन सा बनता है, सिग्मा बंद, मतलब कि क्या हो जाएगा, सिग्मा बंद बन जाएगा, ये भी क्या है, सही है। चलो टू पी एक्स टू पी वाई, अरे बहुत बढ़िया, ये जेड अक्ष है, पी एक्स, एक्स कैसे होगा, एक्स ऐसे होगा, एक्स कक्षक, ये px, दूसरा px, ये ऐसे होगा, तो px px, ये जो होंगे ये क्या बनेंगे, ये भी ऐसे साइड साइड मिल रहे हैं, py py ऐसे मिल रहे थे, ये ऐसे मिल रहे हैं, और pz pz ऐसे मिल रहे हैं,
पीजेड पीजेड के अलावा बाकी जितने भी हैं वो पाई बनाएंगे, तो ये भी बन जाएगा पाई बंद। बहुत बढ़िया। अंतर्नाभी की अक्ष के अनुदिश सिग्मा बंद बनेगा, उसके अलावा बाकी सारे पाई बन जाएंगे। तो यहां पे केवल सिग्मा बनेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे पाई बंद। तो ये हो जाएगा पाई बंद। बहुत बढ़िया, ये भी क्या है सही, क्यों पाई बंद बन गया। और अगला है 1s2py, इससे बनता है पाई 1s2py। अरे भाई साहब, मैंने आपको बता रखा है कभी भी s कक्षक पाई बंद का निर्माण नहीं करता, s कक्षक पाई बंद का निर्माण नहीं करता। बताया ना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चन करना है। चलो क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 ये करो, निम्न में से कौन सा प्रभावी अतिव्यापन दर्शाता है। प्रभावी अतिव्यापन का मतलब होता है अतिव्यापन कौन सा प्रभावी होता है जो कि बंध का निर्माण करता है। प्रभावी अतिव्यापन का मतलब होता है, प्रभावी अतिव्यापन का मतलब होता है जिससे बंध का निर्माण होता है, और बंध का निर्माण किससे होता है, धनात्मक अतिव्यापन से होता है। किससे होता है, धनात्मक। आप मुझे बताओ कौन सा धनात्मक अतिव्यापन है, बताओ। धनात्मक अतिव्यापन का मतलब है कक्षकों के तरंग फलनों के क्या मिलने चाहिए, समान चिन्ह मिलने चाहिए। समान चिन्ह जब जुड़ते हैं तब होता है धनात्मक अतिव्यापन। चलो तो यहां पे क्या जुड़ रहा है, देखो यहां पे माइनस वाला प्लस है ना, ये नहीं हो सकता, प्लस और माइनस नहीं जुड़ते, अलग अलग चिन्ह नहीं जुड़ते। माइनस प्लस ना भैया ना, माइनस और प्लस भी नहीं जुड़ते, गलत। माइनस माइनस, हाँ भैया ये दोनों क्या है, समान चिन्ह। समान चिन्ह जब भी जुड़ेंगे तो धनात्मक अतिव्यापन होगा, मतलब कि प्रभावी अतिव्यापन। क्लियर। चलो क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखो, वीबीटी के आधार पर गलत कथन का चयन करिए। वीबीटी के आधार पर गलत कथन कौन सा है, बताइए बताइए। चलो आ जाओ देखते हैं। सिग्मा बंध पाई बंध से मजबूत है, ये तो सही है, सिग्मा बंध पाई बंध से मजबूत होता है, सही है, बिल्कुल सही है। एस कक्षक कभी पाई बंध नहीं बनाता, ये भी सही है। दो परमाणुओं के मध्य केवल एक सिग्मा बंध हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, चलो आ जाओ इधर देखते बेटा। मान लो दो परमाणुओं के मध्य आपने तीन बंध बना दिए, कितने बना दिए बेटा, तीन बंध। हमेशा ध्यान रखना, एक से ज्यादा बंध जब भी बनेंगे तो वहां पर केवल एक ही सिग्मा बंध होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, पाई बंध हो जाएंगे। सिग्मा बंध दो परमाणुओं के बीच में एक ही बनता है। जैसे कि मान लो हमारे पास तीन पी कक्षक है, एक पीएक्स है, एक पीवाई है और एक पीजेड है। सिग्मा बंध इन तीनों में से किसी एक से ही बनेगा। मान लो पीएक्स पीएक्स ने अगर सिग्मा बना दिया तो पीवाई पीवाई और पीजेड पीजेड ये पाई बनाएंगे, मतलब कि सिग्मा बंध हमेशा एक ही बनता है बेटा। तो ये बात ध्यान रखना, सिग्मा बंध हमेशा एक ही होगा किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच में। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर लिखा ए द्विबंध बी, तो पहले सिग्मा बंध बनेगा उसके बाद बचा हुआ पाई,
तो यहां पे एक सिग्मा और एक पाई, सिग्मा बंध हमेशा एक ही होता है बेटा, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और लास्ट, पी कक्षक का केवल समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। समपार्श्विक अतिव्यापन से क्या बनता है, पाई बंध बनता है। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बताया है कि पी कक्षक केवल पाई बंध का निर्माण करते हैं? भाई मैंने आपको बताया ना, पी कक्षक से, जब पी कक्षक अंतर्नाभि की अक्ष के अनुदिश मिलेंगे, जैसे कि मान लो जेड, तो जब पीजेड पीजेड के साथ जेड अक्ष के अनुदिश मिलता है तो भैया सिग्मा बंध भी तो बनता है, तो पी कक्षक सिग्मा बंध भी बनाता है, अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन भी होता है पी कक्षक में, और पी कक्षक में समपार्श्विक अतिव्यापन भी होता है, दोनों होते हैं। मतलब कि ये वाला कथन क्या है, गलत, क्योंकि पी कक्षक सिग्मा भी बनाते हैं और पाई बंध भी बनाते हैं। समझ में आया? चलो चलिए अब आते हैं आज के एक लास्ट एक और क्वेश्चन पे, इसके बाद में हम और भी देखेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। C3-4- माइनस में होंगे, बताओ C3-4- माइनस में होंगे, C3-4- माइनस, कार्बन कितने, देखो देखो कार्बन कितने, तीन, तीन कार्बन बना लो, सबसे पहले तीन कार्बन बना लो, क्वेश्चन 10, तीन कार्बन बना लो, कितना आवेश है, माइनस चार, तो एक काम करो इस पे माइनस दो रख दो, इस पे माइनस दो रख दो, कार्बन कितने बंध बनाता है, कार्बन चार वैलेंसी होती ना, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती, चार, तो बीच वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, एक दो तीन चार, चार वैलेंसी हो गई। अब इस वाले कार्बन पर माइनस दो आवेश है, इसीलिए ये केवल दो वैलेंसी करेगा, इस वाले कार्बन पे माइनस दो आवेश है इसीलिए केवल ये दो वैलेंसी करेगा। जब भी कार्बन पर माइनस एक आवेश हो, जब भी कार्बन पर माइनस एक आवेश हो, जब भी कार्बन पर माइनस एक आवेश हो तो ये कितने बंध बनाएगा, तीन बंध बनाएगा, और जब भी कार्बन पर माइनस तीन आवेश हो तो वो कितने बंध बनाएगा, एक बंध बनाएगा, माइनस एक तो तीन बंध, माइनस तीन तो एक बंध, ऐसे समझो बेटा, ऐसे कार्बन के पास एक दो तीन चार, ये बीच वाला कार्बन, ये टर्मिनल वाला कार्बन, ठीक है, तीन कार्बन है, चलो इस कार्बन के पास कितने हैं, माइनस दो आवेश। मैंने आपसे बात बोल रखी है, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो कार्बन पे माइनस दो आवेश लग जाए, चार इलेक्ट्रॉन तो है, चार प्लस दो कितने हो जाएंगे, इसके पास छह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब कि इसके पास एक दो तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के पास में भी चार इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैं यहां पे माइनस दो लिखूं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास भी छह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक दो तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसके पास कुल छह इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन का इस दो इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, यहां पे कितने आ गए, दो इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसके पास अभी कुल छह इलेक्ट्रॉन है, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, माफ करना चार, ठीक है, दो प्लस दो चार, चार इलेक्ट्रॉन। कार्बन का क्या हो गया, चार प्लस चार, अष्टक पूरा हो गया। इस कार्बन का क्या हो गया, चार प्लस दो छह, छह और दो आठ, मतलब कि अष्टक पूरा हो गया। इधर भी चार प्लस दो छह, छह और दो आठ, मतलब कि अष्टक पूरा हो गया। अब देखो चार इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, यहां द्विबंध, यहां द्विबंध, माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो, कितने सिग्मा बंधे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब भी एक से ज्यादा बंध बनेंगे तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई, जब भी एक से ज्यादा बंध बनेंगे तो एक बंध ही सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई, कितने सिग्मा हो गए, दो सिग्मा और दो
पाई, तो दो सिग्मा और दो पाई ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। एक बार नोट कर लो आप इसको, ठीक है बच्चा, नोट कर लो। चलिए तो यहां तक की बात क्लियर है, आ जाओ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11, 10 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा गलत है बताइए, निम्न में से कौन सा गलत है, एक सिग्मा बंद पाई बंद से दुर्बल होता है, एक सिग्मा बंद पाई बंद से प्रबल होता है, एक द्विबंध एकल बंद से प्रबल होता है, और एक द्विबंध एकल बंद से छोटा होता है। करिए इस क्वेश्चन को, करिए निम्न में से कौन सा गलत है। चलो स्टार्ट करें, आ जाओ देखो। पहले मैं इस ऑप्शन को सॉल्व करता हूं। देखो एक द्विबंध एकल बंध से प्रबल होता है बेटा। प्रबल और दुर्बल होने का मतलब है, प्रबल होना मतलब कि मजबूत होना। चलो इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे पास एक लकड़ी है और मान लो मेरे पास ऐसी की ऐसी दो लकड़ियां हैं। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है या दो लकड़ी को तोड़ना आसान है, लड़की नहीं लकड़ी बोल रहा हूं, लकड़ी को तोड़ना, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है या मान लो इसके साथ मैंने एक लकड़ी और ले ली, दो लकड़ियों को तोड़ना आसान है, ज्यादा मजबूत कौन सा, दो लकड़ियां ज्यादा मजबूत है या एक लकड़ी। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है मतलब कि एकल बंध, एकल बंध, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, एकल बंध को तोड़ना एकल बंध को तोड़ना आसान है। एकल बंध जो होता है वो कमजोर होता है। एकल बंध कमजोर होता है द्विबंध की तुलना में। तो द्विबंध एकल बंध से प्रबल, बिल्कुल सही है, एकल बंध कमजोर है और द्विबंध जो है वो प्रबल है, सही है, ये कथन तो सही है। चलो अब इस कथन की बात करते हैं, एक द्विबंध एकल बंध से छोटा होता है। ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, बंध लंबाई जो होती है बेटा, बंध की लंबाई जो होती है वो बंधों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होगी बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होगी दो परमाणुओं के बीच, बंध की लंबाई उतनी ही कम होगी। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध। दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या सबसे ज्यादा, यहां पे बंधों की संख्या कितनी है 3, यहां पे बंधों की संख्या कितनी है 2, यहां पे बंधों की संख्या कितनी है 1। दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बंध लंबाई कम होगी। तो त्रिबंध की बंध लंबाई सबसे कम है, त्रिबंध की बंध लंबाई कम है, उससे ज्यादा बंध लंबाई किसकी है द्विबंध की, उससे ज्यादा बंध लंबाई किसकी है एकल बंध की। सबसे ज्यादा बंध लंबाई जो है वो एकल बंध की है, क्यों, क्योंकि यहां पे बंधों की संख्या सबसे कम है। बंधों की संख्या जितनी कम होगी उतनी ही बंध लंबाई ज्यादा होगी, बंधों की संख्या कम है बंध लंबाई ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी एकल बंध की, उससे कम द्विबंध की, द्विबंध की बंध लंबाई एकल बंध की तुलना में छोटी होती, बिल्कुल सही बात है, द्विबंध की बंध लंबाई एकल बंध की तुलना में छोटी, ये भी सही है।
चले, एक सिग्मा बंद पाई बंद से प्रबल होता है। अरे बिल्कुल सही बात है, सिग्मा बंद जो होता है वो पाई बंद से क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है। सिग्मा बंद मजबूत है, पाई बंद दुर्बल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 12। CaC2 में दो कार्बन परमाणु के बीच बंधों की संख्या और प्रकार कौन सा है, बताइए। CaC2 में दो कार्बन परमाणु के बीच बंधों की संख्या तथा प्रकार कौन सा है, बताओ। कितने बच्चों ने कर लिया CaC2? CaC2 कैल्शियम पे आवेश कौन सा, +2। कैल्शियम पे कितना आवेश होता है बेटा, कैल्शियम पे आवेश कितना होता है? कैल्शियम कौन से वर्ग का धातु है? कैल्शियम वर्ग क्रमांक 2 का धातु है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। दूसरे वर्ग के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? या ऐसे बोल दो, चलो ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है, कई बच्चों को ऑक्सीकरण अवस्था समझ में ना आए, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है कुछ बच्चों ने बढ़ा हो, कुछ बच्चों ने नहीं बढ़ा हो। एक बात ध्यान रखना बच्चों, पहला वर्ग जो होता है ना, पहले वर्ग के जो तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो भी तत्व है ना, इन पर +1, +1, +1, सदैव +1 आवेश होता है। पहले वर्ग के तत्वों पर सदैव +1 आवेश होता है, और दूसरे वर्ग के तत्वों पर सदैव +2 आवेश होता है। अगर आवेश ग्रहण करने का इनको मौका मिलेगा तो पहले वर्ग के तत्व सदैव +1 आवेश रखते हैं, और दूसरे वर्ग के तत्व पर अगर आवेश ग्रहण हुआ तो 2 आवेश आएगा, +2 आएगा। मतलब कि कैल्शियम पे +2 आएगा और C2 पे कितना आएगा, -2। +2 और -2 ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब C2 पे कितना आ गया, -2। तो C2 दो कार्बन, C2 का मतलब दो कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इस पे -1 और इस पे -1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कार्बन पे -1 आवेश होने का मतलब कार्बन 3 बंध बनाएगा। तो कार्बन पे -1 आवेश होने का मतलब क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की जगह अगर कार्बन पे -1 आवेश होगा तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, -1 आवेश मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब कार्बन के पास कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन लेकिन -1 आवेश होने के कारण अब हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन लेकिन -1 होने के कारण 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। बस अब क्या होगा, यहां के 3 इलेक्ट्रॉन और यहां के 3 इलेक्ट्रॉन, इनका हो जाएगा साझा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का साझा। 6 + 2 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 6 + 2 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके संरचना ऐसी बन जाएगी। अब देखो इसका मतलब यहां पे एक बंद हो जाएगा सिग्मा और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, पाई। तो एक बंद हो जाएगा सिग्मा और बाकी दोनों हो जाएंगे पाई। हमेशा ध्यान रखना है, पहला बंद और अकेला एक ही बंद, ये होता है सिग्मा। एक बंद होता है सिग्मा, बाकी दोनों होते हैं पाई। तो एक सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, आंसर आ जाएगा बी। इस तरीके से आपको करना है। चलिए और आज के मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन, हाँ आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। I3- आयन में इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म की कुल संख्या, बहुत बढ़िया, एकाकी युग्म की संख्या मतलब कि लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं I3- में, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको ये बात बताई थी कि लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, दोनों को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, उनकी लुईस संरचना बना दो। तो
I3 माइनस की लुईस संरचना मैंने बताई थी, तीन आयोडीन है यहाँ पे, बिल्कुल तीन आयोडीन है, और किसी एक आयोडीन पर कौन सा आवेश है, माइनस एक आवेश है। आयोडीन के पास होते हैं सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर माइनस एक आवेश है तो सात की जगह कितने हो जाएंगे, आठ इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी सात इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी सात इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? तो भाई कैसे हो जाएगा, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, ठीक है, और यहां पे, हाँ यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा। चलो कितने एकाक युग्म कितने बच गए, देखो यहां पे एक एकाक युग्म, दो एकाक युग्म, तीन एकाक युग्म, चार एकाक युग्म, पांच एकाक युग्म, छह एकाक युग्म, सात एकाक युग्म, आठ और नौ, नौ एकाक युग्म हो गए, नौ एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइन लोन पेयर हो गए, नाइन लोन पेयर। मतलब कि आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा नाइन। कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा नाइन। तो ये है बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि हमने किए हैं आज के लेक्चर में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चंस में काफी मजा आया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चन कर लिए, लुईस संरचना के भी क्वेश्चन आ गए। अब आप ये मत बोलना कि सर लुईस संरचना का तो इसमें कोई क्वेश्चन था ही नहीं। अरे नालायक हो, ये जो संरचना बना रखी है वो लुईस संरचना ही तो है, लुईस संरचना नहीं बनाओगे तो ये क्वेश्चन थोड़ी ना हो सकता। मतलब कि लुईस संरचना का किस प्रकार से क्वेश्चन में उपयोग होता है वो देखा, लुईस संरचना हो गया। VACPR आकृति क्या होती है उसके क्वेश्चन देखे, VBT देखो, सिग्मा बंद, पाई बंद, ये सब किस में आता है, VBT। तो ये सारी चर्चा आज हमने की बच्चों। तो इन तीनों टॉपिक से आज हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए हो, ये सभी क्वेश्चन पसंद आए हो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसा सेशन हम हर टॉपिक के बाद करें, हर टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो मुझे थम्स अप दिखाओ फटाफट जल्दी से। क्या आप चाहते हो कि हर टॉपिक के होने के बाद उसके क्वेश्चन उसी के साथ कर ले, तो मुझे थम्स अप दिखाओ फटाफट, पक्का 100%। चलो ऐसा ही सेशन हम हर टॉपिक के बाद लेकर के आएंगे। चलो अब आते हैं थोड़ा क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CO2 की आकृति है, बताओ CO2 की आकृति क्या है, रेखीय, चतुष्फलक, समतल, कोई नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बंध निर्माण में भाग नहीं लेने वाले संयोजी कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ बंध निर्माण में भाग नहीं लेने वाले संयोजी कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या हैं? चलिए मेरे ख्याल से आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। CO2 की आकृति कैसी है, CO2 की आकृति रेखीय है, CO2 की आकृति कैसी है, CO2 रेखीय आकृति का। बंध निर्माण में भाग नहीं लेने वाले संयोजी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, अरे भैया ये तो लोन पेयर होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। आज हमने क्या किया, आज हमने VBT, लुईस संरचना और VSEPR, इन तीनों पर आधारित अभ्यास प्रश्न किए। तीनों ही टॉपिक हमारे हो चुके हैं और इन पर आधारित हमने अभ्यास प्रश्न विस्तार से किए। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, अटेंड कर लेना। और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संकरण, मतलब कि बहुत जल्दी ही हम इस चैप्टर में संकरण पर आ चुके हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा अगला टॉपिक हो, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। NCERT के अंदर ये दे रखा है, आप इसको प्लीज पढ़ करके आए, ठीक है। चले बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।